हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग शिफ्ट इनकी थी, लगभग अभी 8:15 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ निकल गई है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल डाउन चल रही है। एक भी लाइन एक साथ नहीं बोल पा रही हूँ, इतनी कुटकुटी कंठ में हो रही है। मुझे कभी भी खांसी सर्दी नहीं होती है, लेकिन होती है तो बहुत लंबी चली जाती है। तो इतनी तेज़ हवा चल रही, सारे कपड़े सूख गए थे तो मैंने क्लचर के साथ ही उठा के रख दिया। और अब मैं यहाँ पर पूजा करूँगी, सबसे पहले तुलसी भगवान को धो लेती हूँ, फिर पूजा करूँगी। ना मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे 10 से 11 के बीच में अपनी बेटी को दोबारा मसाज देकर स्नान करा देना है, और मैंने इसीलिए सुबह स्नान करने का आदत डाला है। अभी बस कोई भी आदत आप डालते हैं तो 21 दिन तक वो काम करिए, तभी आपकी आदत में वो शामिल होगा। अभी तो मैंने शुरू किया है, देखती हूँ कितना दिन तक चलता है। तो बेटा का तो स्कूल बंद ही है, और क्योंकि संडे है और 14 अगस्त है आज, और ये चले गए हैं ऑफिस, तो इनको जो नाश्ता वगैरह कराया था, पूड़ी और सब्जी कराया था नाश्ता, तो आटा मिला हुआ ही है। यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन चलूँगी। तो आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और जब तक पूजा नहीं करिए मन में शांति नहीं मिलती, इसलिए मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है। और कल 15 अगस्त है, तो आप लोगों को एडवांस में ही 75वें आज़ादी के 75वें साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। यहाँ पर मेरा पूजा हो गया है, अब चलते हैं, वो काम करके चली गई हैं। और आजकल वो ध्यान से नहीं करती हैं, जैसे कोई बाल्टी वगैरह रखा है तो उसी तरह छोड़ देती है, बिल्कुल नहीं हटाती है, बिल्कुल मतलब सोचती है कि अब ये कर ही रही हैं तो ये करेंगी। पहले बर्तन धोती थी, लगा देती थी, वो भी नहीं करती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो काम मेरे लिए संभव है, छोटा छोटा काम है, वो सब मैं खुद निपटा लेती हूँ। अपना काम करने में हेजिटेशन कहता, मैं तो सारा काम खुद करती थी। हेलो डियर, कहते हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और आशा भी करती हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ। आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूँ आपके साथ नम्रता। चैनल पर जो नए हैं चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट जरूर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आज 14 अगस्त और समय लगभग 10:15 हो रहा है। मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया है, रूटीन बनाया है, 10 से 11 के बीच में मैं बाबू को मसाज करके दोबारा मसाज करती हूँ, तब तक उसके बाद मैं उसको नहला देती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, इनका मॉर्निंग शिफ्ट था तो इनको जो नाश्ता करा के भेजा था तो मैंने एक ही साथ आटा मिला के रख लिया कि आज बस थोड़ा सर्दी खांसी सा हो गया है। और मैं अधिकतर रोटी ही खाती हूँ क्योंकि वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसीलिए रोटी ही खाती हूँ। तो अभी सबका नाश्ता हो गया, वो नाश्ता करके चले गए हैं 2 घंटा पहले ही, बाबू भी नाश्ता कर लिया। अभी मैंने दोनों बच्चों में से किसी को नहीं नहलाया, तो सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी बना के, उसके बाद फिर मैं आगे के कामों में लगूँगी। तो चलिए मिलते हैं वापस आगे। और आज मैंने पूजा भी करना शुरू कर दिया क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आप पूजा अगर नहीं करिए घर में तो। और भगवान ने मुझे एक संकेत दिया है, एक पहले पेड़ पौधा जो तुलसी का पौधा था वो मर गया, तो मुझे लगा क्यों मर गया। मैंने अपने ही मन में ये सोचा कि वो सोचें कि अब तो ये मेरा पूजा करना छोड़ दिया है तो वो मर गए, लेकिन फिर से एक नया पौधा उग के आया। मैं दिन में 10 बार उस पौधे को देखने जाती हूँ, मुझे इतना लगाव इतना प्रेम हो गया है। और आज मैंने जल ढारना शुरू कर दिया, आप जाने भगवान ने ही मुझे ये मति दिया है कि नहीं अब तुम पूजा करो। कई पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं आप कर सकते हैं, साल भर तक जैसे होता है ना कि जैसे मेरी सास एक्सपायर की हुई है तो नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बेटा को पराठा और अचार और भुंजिया उसको नाश्ता दे दिया था, गुड़ पराठा गुड़ अचार भुंजिया। मैंने सोचा क्या कि अब लेट हो जाएगा बेटी को, क्योंकि थोड़ा लेट आज हो गया है, तो जल्दी जल्दी मैं मोटा मोटा रोटी डालकर और घी डालकर इसको मैं भी गुड़ भुंजिया के साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, अब मैंने शुद्ध घी खाना शुरू किया है। आप लोगों को मैंने बताया था जब शुरू में मैंने शुद्ध घी खाना शुरू किया था तो मेरी बेटी का जो है नाभि पक गया था, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। और तुरंत कहते हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए। बेटा के टाइम का मुझे उतना कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन बेटी के टाइम में मैंने पूरा कोशिश होकर हर बातों पर ध्यान दिया है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं रोटी बनाना मैंने शुरू किया है, इतने ही देर में मेरी बेटी का तेल मालिश का समय हो गया तो वो जग चुकी हैं और वो बेचारी रोना शुरू कर दी हैं।
10 से 10:15 का उसका टाइम तो थोड़ा सा लेट हुआ है, इतना रो रही है, इतना रो रही है कि मेरा खाना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी जल्दी जैसा तैसा मैं बना रही हूँ रोटी, अगर आटा छोड़ देती मिला हुआ तो उसमें चींटी लग जाता है, इसीलिए मैंने सोचा इसको मैं बना ही। यहाँ पर मैंने नाश्ता करके और अपनी बेटी को अच्छे से तेल मालिश करके नाला वाला के टीवी वाले रूम में सुला दिया है, हालांकि नींद से सो गई है लेकिन देखती हूँ। और अब ये बेडरूम की स्थिति देखिए, सुबह चूँकि मॉर्निंग शिफ्ट था और मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होता है, अगर डे शिफ्ट रहता है तो वो भी बहुत देर तक हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग शिफ्ट में वो चले जाते हैं तो मैं किचन ही चली जाती हूँ। सुबह उठ के नाश्ता बना के दिया, उनको भेजा, जब तक वो गए बेटा उठा, फिर उसके पीछे लगी, थोड़ा ब्रश है, फिर नाश्ता है, फिर खुद भी नहा लेती हूँ जल्दी जल्दी करके, तो मॉर्निंग शिफ्ट में यही स्थिति हो जाती है। और ये टॉवल वगैरह मेरा बेटा जो है फेंका है, नहा के मेरा बेटा भी आ गया है और मेरी बेटी भी नहा ली है, रेडी हो गई है, तब मैं थोड़ा सा बेडरूम ठीक कर दूँगी। हवा इतनी तेज़ चल रही है 2 दिनों से यहाँ पटना में कि पूरा स्थिति घर एकदम पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आज मैं बेड शीट भी चेंज कर दूँगी क्योंकि हवा के कारण धूल उल भी आता ही होगा। हालाँकि रूम वगैरह पूरा साफ रहता है लेकिन ये जो बेड है, बेड पे पूरा कहाँ से धूल आता है पता नहीं, तो यहाँ पर मैंने बेड शीट भी चेंज कर दिया। मैं पहले डेली कर दिया करती थी लेकिन मैं थोड़ा सा अभी अपने आप को उतना बेटर फील नहीं करती हूँ, तो इतना मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं 1-2 दिन बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट चेंज कर दिया है और 11 बजे वो खाना खाने आएंगे, तो खाना भी मुझे अभी बनाना है, तो अभी लगभग मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि लगभग 11 बजने को हैं, तो मैंने कहा कि अभी खाना मैंने बनाया है नहीं, हालांकि बन जाएगा बहुत जल्दी, इंडक्शन पे दाल रखूँगी, खुले में चावल बनाती हूँ, जब से बम्बई के डॉक्टर ने बोला है कुकर का चावल नहीं खाना चाहिए तब से, और सब्ज़ी को मैंने पहले ही नेनुआ जो है उसको छिल के और प्याज टमाटर सब मैंने सुबह से ही धुलवा लिया था। और ये देखिए मेरे बेटे का हरकत वहाँ पे, मतलब ये वहाँ पे अगर बाबू के पास मैं रहूँगी तो मुझे प्यार करो सिर्फ इसको ही करती हो, और वहाँ से जब यहाँ आ गए तब बेड सीट पे ठीक किया, इसको कोई मतलब नहीं है, इस पर है लेकिन बहुत ओबीडियंट, जितना कहूँगी उतना ये सारा बात मानता है, लेकिन है भी बच्चा ही। और अब इस एक ट्रिक क्या है कि इसको अगर कोई काम करवाना होता है मैं बोलती हूँ आप नहीं ना बात मानते हैं, छोटी बाबू को एक बार बोलूँगी तो वो सुन लेगी, तो ये तुरंत उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना पिलो कवर भी चेंज कर लिया, और बेड शीट आप बेशक 2 दिन में चेंज करो लेकिन पीलो कवर के बारे में कहा जाता है कि डेली चेंज करना चाहिए, इसके पीछे भी रीज़न है, किसी वीडियो में मैं बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने बेटी का बेड लगा दिया है और मैं उसको हमेशा हगीज नहीं पहनाती हूँ, 2-3 घंटा मैं फ्री भी उसको रखती हूँ, हालांकि बच्चे के नींद में डिस्टर्बेंस होता है, जब सुसु बच्चा कर देता है गीला हो जाता है, तो एक तो नींद में डिस्टर्बेंस होता है और दूसरी बात क्या होती है कि गीले पर रहने से बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन रात में तो हगीज पहना के मैं सुलाती ही सुलाती हूँ, लेकिन जब तक मैं एक्टिव रहती हूँ जगी रहती हूँ तो मैं एकदम प्रयास, जैसे अभी मैंने उसको स्नान कराया है तो उस मसाज के समय जैसे उसने सुसु किया तो अब वो 2-2.5 घंटे तक नहीं करेगी। एक स्वस्थ बच्चे और पेट भरे बच्चे की यही निशानी है कि वो 24 घंटे में 6 से 8 बार सुसु करे, तो मुझे ये पता है कि अभी वो 2-2.5 घंटे नहीं करेगी सुसु, तो जब मैं उसको फीडिंग कराऊँगी फिर वो सुसु करेगी, या फिर सुसु करने के बाद वो उठती है रोने लगती है, उसको भूख लग जाती है क्योंकि बच्चे के तो पेट तो बच्चे का पेट तो अंतन खाली जाता है, इसीलिए मैं इसको 2 घंटे तक अभी बिल्कुल भी बिना हगीज का रखूँगी, बिल्कुल भी हगीज नहीं पहनाऊँगी, फ्रॉक और पैंट पहना दिया है और खिड़की से हवा आ रही है बहुत तेज़, तो मैं सारे कर्टन को खींच दूँगी। और यहाँ पर ये जग गई हैं मोहतरमा, उस रूम से इस रूम में लाने में ये जग गई हैं, थोड़ा मेरा बेटा भी इसको परेशान करता है, कभी टी वी में आवाज़ दे देगा, कभी गाल वाल छू के इसको उठा देता है, तो यहाँ पर मैंने पर्दे को खींच दिया है, कुछ बगल वाली कुछ पूछने लगी बात करने लगी तो मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया, मेरे पास उतना समय नहीं रहता है, और मैं इस रूम को पूरे अच्छे से बिल्कुल अंधेरा कर दूँगी जिससे कि अच्छे से सो जाए। इधर का भी मैंने पर्दा खींच दिया है और लाइट भी बंद कर दूँगी, बस थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करूँगी झूलूँगी तो ये सो जाएगी। अभी तक हमने अपनी बेटी को झूला नहीं दिया है क्योंकि हम लोगों में झूला नहीं खरीदा जाता है जब तक कि कोई दूसरा ना दे, इसीलिए अभी तक मैंने झूला इसको नहीं दिया है।
तो इसको इस तरह किया और वो सो गई। उसके बाद बाबू को भी नहला दिया, वो टीवी देख रहा है। उसके बाद मैं उसको होमवर्क कराऊंगी और अब मैं आ गई हूँ किचन। तो सबसे पहले दूध गर्म कर लिया है, बाबू को दे दूँगी बॉर्नविटा और उसके बाद जो आप सब्जी देख रहे हैं इसको काटूँगी और इधर मैं इधर कढ़ाई चढ़ा कर सब्जी बना लूँगी। नेनुआ, प्याज, टमाटर, सोयाबीन, इससे बस बताया था बहुत काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। जो न्यू मॉम होती हैं, जो फीडिंग मॉम होती हैं, उनके लिए ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बाबू का बॉर्नविटा बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है। दूध अभी तो तुरंत उबलाया, तो मैंने उसको साइड में रख दिया। थोड़ा समय भी है अभी, अभी नाश्ता करने उसका 2 घंटा नहीं हुआ है, तो 2-3 घंटे के बाद ही देती हूँ। तो थोड़ा ठंडा होने में जब तक समय लगेगा तब तक मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर सब्ज़ी में छौंक लगा लूँगी। इसी तरह से सारे दिन गुजर जाते हैं। आप लोगों ने अगर पिछले 15 अगस्त का देखा होगा तो मैंने बहुत सारा चीज़ डेकोरेशन किया था, क्योंकि उसमें मेरा बेटा किडजी में था और ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो घर में बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। लेकिन इस बार स्कूल ही इसका 15 अगस्त के दिन बंद है, तो इसीलिए उस तैयारी में मैं नहीं लगी हूँ। और मैंने कल जो है 4-5 साड़ी में पिक्को किया है, डेली वियर साड़ी में, जिसमें कि एक ये भी साड़ी शामिल है। और ब्लाउज तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, जो भी पहले का ब्लाउज है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये मैं प्रयास कर रही हूँ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सरसों है, इसीलिए मैं इसको घर में बनाती हूँ। आधा से अधिक इसमें सरसों ही है। एक दो ब्लाउज का अगर स्टिच खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो सिफॉन वगैरह का खुलने से वो ख़राब हो जाता है, तो मुझे नया ही बनाना पड़ेगा। और ये तो छठी में जो ब्लाउज पहना था, इसी पर एक दो साड़ी, जितना साड़ी इस पर फिट बैठता है उसको मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि सब बहुत सारा साड़ी रखा हुआ है और रखा रखा सारा साड़ी होगा क्या। अब तो ससुराल में भी जाकर रहने का हिम्मत नहीं है, ससुराल में कैसे जाऊँगी अकेला, हिम्मत ही नहीं है, जो कि वहाँ भी मैं साड़ी पहनूँगी। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि डेली में साड़ी ही पहनूँ, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो और खुल कर मैं पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। देखिए तीज में कैसे क्या करती हूँ डियर, तीज भी बहुत पास है, फिर मेरे बेटे का भी बर्थडे है, तो इस बार तो सब कुछ हल्के हल्के तरीके से ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सब्जी में पाँच मैंने लगा दिया और आटा मिला कर रख दिया है। मैंने इनसे पूछ लिया, अगर ये खाना खाने आएंगे तो मुझे दाल चावल बनाना पड़ेगा, और ये अगर नहीं खाने आएंगे तो बस मैं रोटी ही बना लूँगी, सिर्फ रोटी, सब्जी और सलाद। उधर मैंने सब्जी को फिट कर दिया और बॉर्नविटा भी अपने बेटे को नहीं दिया है, काफ़ी गर्म है। लेकिन मैंने इसको कहा था जब मैं आऊँगी तो आपको होमवर्क कराऊँगी, लेकिन मेरा बेटा इतना समझदार है कि खुद होमवर्क करने बैठ गया, तो नीचे बैठ के होमवर्क कर रहा है। तब से पहले मैं यहाँ पर बेड ठीक कर दूँगी, बेड, सोफ़ा वगैरह। इतनी तेज़ हवा चलती है कि अगर बालकनी का गेट मैं खुला रखूँ तो ये ठीक करने के बावजूद भी ये पूरा इस तरह से सिमट जाता है, हर चीज़ इर्द गिर्द इधर बिखर जाता है। तो अभी मेरी बेटी उस रूम में आराम से सो गई है, बेटा को मैं 1 घंटा होमवर्क करा दूँगी और बॉर्नविटा पिलाने के 1 घंटे बाद मैं उसको कुछ खिला दूँगी, खाना अगर बन जाए तो ठीक है, और उसके बाद इसको भी सुला दूँगी, दोनों बच्चे सो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी। फिर शाम हो गई थी, मॉर्निंग शिफ्ट इनका था, तो ये सवेरे ही आ गए थे, तो आने के बाद ही लगभग 5 बजे आ गए थे, जब तक हम लोग आराम ही कर रहे थे खाना पीना खा करके। तो ये खाना मॉर्निंग शिफ्ट जाते हैं, सवेरे आते हैं, खाना खा कर गए और फिर आए, तो ये भी थोड़ा आराम किए, शाम हो गई। उसके बाद अपना जो है शाम के खाना में किचन में लग जाइए, जो किचन का काम है। तो इसी तरह से सुबह शाम होती है और यूं ही उम्र तमाम होती है। इसी में लोगों को बहुत कुछ करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक शेड्यूल बना लेते हैं कि आज मुझे ये ना ये करना है, आज मुझे आधा घंटा मशीन पे समय देना है, आधा घंटा खुद के लिए निकालना है, ऐसे ऐसे करके अगर जब तक मैं रूटीन नहीं बनाती तो मैं अपनी बेटी को 5 बार तेल नहीं दे सकती। मैंने बिल्कुल रूटीन फिक्स कर लिया और अभी तक मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। पूरा डिटेल में रूटीन उसी दिन मैं शेयर करूँगी जिस दिन मेरा 21 डेज कम्प्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा डियर। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। और ये पानी होना बहुत सुंदर लगता है।